नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से आ रही है। दिव्यांग पर हमले की कोशिश, नशे में धुत दबंग ने की हमले की कोशिश, बांका लेकर हमला करने का किया प्रयास, दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया। दिव्यांग पर हमले की कोशिश, हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया, दबंग ने मां के बीच बचाव करने पर धमकाया। हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिव्यांग पर हमले की कोशिश, नशे में धुत दबंग ने की हमले की कोशिश, बांका लेकर हमला करने का किया प्रयास, दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया, दबंग ने मां के बीच बचाव करने पर मां को धमकाया। हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया। दिव्यांग पर हमले की कोशिश, हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया, दबंग ने मां के बीच बचाव करने पर धमकाया। दिव्यांग पर हमले की कोशिश, नशे में धुत दबंग ने की हमले की कोशिश, बांका लेकर हमला करने का किया प्रयास, दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया, दबंग ने मां के बीच बचाव करने पर धमकाया। हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर हम हरदोई से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक दबंग ने दिव्यांग पर हमले की कोशिश की, नशे में धुत दबंग ने की हमले की कोशिश, बांका लेकर हमला करने का किया प्रयास, दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया, दबंग ने मां के बीच बचाव करने पर धमकाया। हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नशे में धुत दबंग ने की हमले की कोशिश, बांका लेकर हमला करने का किया प्रयास, दबंग ने अपनी मां को भी बांका लेकर धमकाया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बांका लेकर हमला करने का प्रयास किया है दिव्यांग पर दबंग ने। हरदोई की यह तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर दिव्यांग पर हमले की कोशिश हुई है। एक दबंग ने बांका लेकर दिव्यांग पर हमला करने की कोशिश की। नशे में धुत दबंग ने दिव्यांग पर हमले की कोशिश की। हरदोई की यह खबर है, जहां पर दिव्यांग पर हमले की कोशिश हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एक दिव्यांग पर दबंग ने हमले की कोशिश की। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम, शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का करेंगे शुभारंभ, कबड्डी कार्यक्रम के समापन प्रबुद्ध सम्मेलन में होंगे शामिल, गीता प्रेस में गीता जयंती के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम, शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का करेंगे शुभारंभ, कबड्डी कार्यक्रम के समापन प्रबुद्ध सम्मेलन में करेंगे शिरकत।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गीता प्रेस में गीता जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। वहीं लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर का दौरा रहा, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रामपुर मैनपुरी करहल में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के जीतने की बात कही। वहीं शिवपाल यादव की सुरक्षा कम करने पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबको सुरक्षा देती है, सरकार समीक्षा करती है कि किसको कितनी सुरक्षा देनी चाहिए। आई के टीम ने उपलब्ध कराया है, मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूं और देश के कोने कोने से जो व्यापारी यहां आए हैं मैं उनका भी उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। मंत्री जी, चुनाव चल रहा है, दो दिन बाद चुनाव होने वाला है रामपुर और मैनपुरी, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं क्या देख रहे हो, दोनों लोग जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी साफ, हम लोगों ने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, जिस तरह से बदायूं में, जिस तरह से कन्नौज में, जिस तरह से आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने परिवारवाद की राजनीति को मट्टी में मिला। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, शिवपाल सिंह यादव पर बोला बड़ा हमला, शिवपाल यादव को बताया चुनावी चाचा। मैनपुरी में कमल खिलना तय, यह कहना है केशव मौर्य का। विधायक होने के चलते शिवपाल को आवास मिला, विधायक निवास पार्टी कार्यालय के लिए नहीं, विधायक निवास पर पार्टी कार्यालय चलाना गलत, जल्द इस मामले पर विचार कर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल सिंह यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है प्रयागराज से, जहां उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर हमला बोला है। मैं आप सभी मित्रों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को जय सियाराम कह रहा हूं, और उनको ये जरूर कह रहा हूं, कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जय श्री राम और जय सियाराम दोनों का मतलब समझाने वाला होगा। श्री कौन है? माता सीता जी हैं। सिया कौन है? वो भी माता सीता जी हैं। अब श्री राहुल गांधी जी को यह ज्ञान कौन दे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज उससे जय सिया राम कहना पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां सपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से प्रदेश में हो रहे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग की। सपा प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रामपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर धांधली कराना चाह रही है। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चुनावों में तत्काल प्रभाव से पुलिस फोर्स तैनात करने की मांग की, जिससे रामपुर का मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। निर्वाचन आयोग के पास हम इसलिए आए हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा और 2 विधानसभा के, उसमें निष्पक्ष निर्भीक होकर के स्वतंत्र मतदान की व्यवस्था निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है और निर्देशित किया है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को
कि भाजपा जिस तरह से चुनाव में धांधली करने पर उतारू है, सत्ता का दुरुपयोग कर। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, लेवाना होटल अग्निकांड मामला। होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल को मिली जमानत। मैनेजर सागर श्रीवास्तव को भी मिली जमानत। हजरतगंज के लेवाना होटल में लगी थी आग। होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल को मिली जमानत। मैनेजर सागर श्रीवास्तव को भी मिली जमानत। लेवाना होटल अग्निकांड मामला लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेवाना होटल अग्निकांड मामले में होटल के मालिक और मैनेजर को लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में होटल लेवाना में आग लग गई थी, जिसके बाद होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वही खबर लखनऊ से है, जहां जेल में बंद मोहम्मद आमिर नामक शख्स ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि खुदकुशी की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस दौरान परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारने पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल हसनगंज थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन में मृतक जेल गया था, जिसकी पूरी सजा 29 दिसंबर को होनी थी। ये मामला जो है ना, हमारे भाई जो है ना आमिर, उसको जो है ना जेल भिजवा दे के तिवारी, कृष्ण कुमार के तिवारी ने। सिर्फ उसके जो है ना चेक मेरे भाई ने ले लिए थी, 30,000 रुपए दे दिए थे और 10,000 रुपए करके मांग रहा, हमने कहा दे देंगे। उसने जल्दी से वारंट कटवा दिया। वारंट में जो है कसाना नाम का एक जो है दरोगा है, जो है किस थाने का मामला है? ये हसनगंज थाने का मामला है। लखनऊ की ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एक शख्स ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया और जेल प्रशासन पर आरोप लगे हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। अज्ञात चोरों ने गांव में मचाया तांडव। देर रात अज्ञात चोरों ने गांव में मचाया तांडव। तीन घरों में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। लाखों के आभूषण, दूसरे सामान चोरी कर हुए फरार। मौका मुआयना कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। तीन घरों में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। देर रात अज्ञात चोरों ने गांव में मचाया तांडव। बुलंदशहर की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें है, जहां पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और तीन घरों में चोरी की। माता जी 12 लाख को जेवर लगा हुआ, कम से कम। कब की घटना है ये? रात की है, 3:05 की। देखा था कौन लोग थे? लड़का ने देखे हैं सर, वो गेट बंद कर दियो बाहर से। क्या क्या चीज चोरी हुई है? 4 तो कॉलर है सर, 2 पेंडले, 2 जोड़ी झुमकी, हाथन की चूड़ी, 3 कोंदनी, 1 जोड़ी पजेबे। सीतापुर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। महमूदाबाद कोतवाली के क्षेत्र में सोते समय बदमाशों ने हथौड़े से हमला कर कोटेदार को मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी सरकारी मशीनरी, अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का हुआ निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ किया लिया जायजा। शौचालय पेयजल और रैंप की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नगर पालिका क्षेत्र के ऊपरकोट के बूथों का निरीक्षण। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ किया निरीक्षण। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां पर निकाय चुनावों को लेकर सरकारी मशीनरी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। वहीं डीएम और एसएसपी ने अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राथमिक शिक्षा पे और जो हमारी बुनियादी शिक्षा है उसमें बहुत जोर है, और उन्होंने सभी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके ऑपरेशन कायाकल्प के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ये ऊपरकोट का विद्यालय है और सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ विद्यालय है। ये काफ़ी खराब हालत में था, इसको CSR के माध्यम से इसका ऑपरेशन कायाकल्प किया गया है। देखिए, यहाँ बुलंदशहर जनपद में विभिन्न नगर निकाय में जहाँ कहीं भी पोलिंग सेंटर्स बने हैं, इन सभी का संयुक्त रूप से भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ संवेदनशीलता के आधार पर अलग अलग बूथों का विभाजन किया जा रहा है, जिस हिसाब से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि चुनाव के समय लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा उनकी सतत निगरानी। वहीं कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये तस्कर गांजे को कंटेनर वाहन से तस्करी करके ले जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से 101.5 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जनपद कुशीनगर में थाना तरिया सुजान ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 101 किलो से अधिक गांजा की बरामदगी की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। साथ ही साथ जिस कंटेनर में ये गांजे की तस्करी कर रहे थे उसे भी बरामद किया गया। इन दो व्यक्तियों के नाम दीपक कुमार और मोहम्मद रजा है। ये गुवाहाटी से इस गांजे को ला रहे थे और इसको पूरे यूपी को क्रॉस करा के इनको दिल्ली में सप्लाई देनी थी। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी, डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। 39 शिकायतों में 3 का मौके पर निस्तारण, बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। समाधान दिवस में नहीं पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी ने SDM को कार्रवाई के लिए कहा। आगरा के फतेहाबाद तहसील का मामला। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 39 शिकायतों में से 3 का मौके पर निस्तारण। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आगरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और 39 शिकायतों में से 3 का मौके पर ही निस्तारण किया और बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं जालौन के संधिगांव में एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। संधिगांव में एक नाबालिग बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में ओवररेट में शराब बेचते हुए नजर आ रहा है। देशी शराब की ठेके में स्कूली बच्चे के शराब बेचने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा सारी है। सुर्खियों में बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का डेरा। मरीजों के बेड पर सो रहा आवारा कुत्ता, फर्श पर सोने को मजबूर तीमारदार। अस्पताल में बड़ी संख्या में आवारा जानवर, ध्यान नहीं दे रहा अस्पताल प्रशासन। सुर्खियों में बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मरीजों के बेड पर सो रहा कुत्ता, फर्श पर सोने को मजबूर तीमारदार। अस्पताल में बड़ी संख्या में आवारा जानवर। सुर्खियों में बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरीजों के बेड पर सो रहा कुत्ता, फर्श पर सोने को मजबूर तीमारदार। अस्पताल में बड़ी संख्या में आवारा जानवर। सुर्खियों में बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर मरीज के बेड पर अस्पताल में कुत्ता सो रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसे की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की टीम ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। हादसे से नाराज मेडिकल के छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। एमबीबीएस छात्र की मौत से आक्रोशित मेडिकल छात्रों ने NH2 पर धरने में बैठकर जाम लगा दिया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।